या मेरे मन में एक बात चल रही है, बट जो मेरा प्यार है ब्लैक पेपर के लिए, वो थोड़ा सा अभी मेरे को मंजूरी नहीं दे रहा वो बोलने की। ओ तनु, सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मकबैंग। भाई आज मैं हूँ नोएडा में और मैंने खाना मंगा रखा है फरीदाबाद के चावला दी हट्टी से, जिसकी भाई मैंने बहुत ज़्यादा तारीफें सुन रखी हैं और बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फरीदाबाद के चावला दी हट्टी पे भाई वीडियो करो। तो आज मैंने मंगा रखे हैं उनके बेस्ट सेलिंग आइटम्स, जिनकी मैंने तारीफें भी सुनी थी और यही उनके बेस्ट सेलिंग आइटम्स में भी थे। तो यार सबसे पहले है मेरे पास इनका राड़ा मटन, भाई दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। सेंटर में है मेरे पास इनका बटर चिकन और यहाँ के बटर चिकन की मैंने बहुत ज्यादा तारीफें सुन रखी हैं। लास्टली मेन कोर्स में है मेरे पास इनका तवा चिकन चंगेजी। वहीं स्टार्टर्स में है मेरे पास सबसे पहले इनका अफगानी चिकन, चिकन तंगड़ी कबाब, मैंने इनका पनीर मखनी भी मंगा रखा था भाई, जिसको अभी रखने की जगह नहीं है। साथ में मेरे पास मिंट चटनी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा अफगानी चिकन बच रखा है और थोड़ा सा चिकन तंगड़ी कबाब भी बच रखा है। एक बटर नान, एक गार्लिक नान और एक ग्रीन चिली पराठा, अगेन जिनको रखने की जगह नहीं है तो अभी इनको पैक करके साइड में ही रखा हुआ है। गर्मी भाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को पंखा डेफिनेटली ऑन करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, बट आवाज़ झेल लेना उसकी भाई। वन पीस अनकट बटर नान ऐसा कुछ है इनका। तो पंखा दो पे चला दिया भाई। देखो पनीर भी रखना ज़रूरी था ताकि ये भी पता चल जाए कि वहाँ का वेजिटेरियन खाना कैसा होता है। भाई शक्ल देखो, शक्ल तो बेहतरीन लग रही है। करें स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स ट्राई इट दिस। ओह बिना किसी संदेह के मैं बात बोल रहा हूँ, वेज तो इनका भाई ट्राई कर लेना। लिटरली बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा पनीर मखनी खाया। 90s बॉर्न लोगों को ये चीज़ याद होगी, उस टाइम पनीर मखनी, बटर चिकन, दाल मखनी, यही तीन आइटम्स होते थे जो बहुत ज़्यादा फेमस होते थे। भाई यहाँ की गर्मी ने ना इस खाने का मज़ा थोड़ा सा वो कर रखा है। अगर ये मकबैंग देहरादून में होता ना तो देहरादून में इतनी गर्मी नहीं है यार, बट भाई मुझे रुकने का मन नहीं करता। कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि बेहतरीन। पनीर को हम आउट ऑफ कंपटीशन रखने वाले हैं, क्योंकि यार ऐसा पनीर मखनी मैं सालों बाद खा रहा हूँ, तो वो तो वेज में तो वो जीत चुका है। अब ट्राई कर लेते हैं इनके स्टार्टर में अफगानी चिकन। थोड़ी सी गर्मी झेल लेंगे बट ये जो ग्रेवी टाइप है इसकी, पूरा का पूरा मज़ा उसी का है। परफेक्ट भाई, इनके अफगानी चिकन में जो बटर का टेस्ट आ रहा है ना, एक्सेप्शनल, बेहतरीन। मतलब मैं कितना भी खा सकता हूँ उसे, बस अगर ये गर्मी ना होती ना नेक्स्ट लेवल मज़ा आता। खैर इनका चंगेजी ट्राई करते हैं। तवा चिकन चंगेजी भाई बहुत ही ज़्यादा थिक ग्रेवी, थिक
एक चीज तो माननी पड़ेगी यार, अभी तक मैंने इनका पनीर ट्राई कर लिया, बानी चिकन ट्राई कर लिया, प्लस ये ट्राई कर लिया, भाई तीनों ही चीज़ें परफेक्टली कुक्ड है, परफेक्टली कुक्ड। और इनका ये नान भाई, इतना सॉफ्ट नान, यहाँ गई मैं उनके रेस्टोरेंट का एड्रेस दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं एग्जैक्टली कौन सी चावला दी हट्टी की बात कर रहा हूँ। आज सही बताऊँ तो मन कर रहा है खाने को, बस इन्जॉय करूँ, बातें ना करूँ, बट रीति रिवाज रिसेंटली स्टार्ट किया तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और भाई कुकिंग इंस्ट्रक्शन भी मान रखें, प्लीज़ डोंट कट माई ब्रेड इन टू पीसेस। ऐसा है कुछ इनका गार्लिक नान, बट उससे पहले ज़रा हम रीति रिवाज अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कमेंट कर रखा है यार इट्स आयुष आर्मी ने, क्वेश्चन नहीं फर्स्ट कमेंट की बात कर रहा हूँ। सेकंड कमेंट कर रखा है अंशिता साहू ने, जस्ट लव योर वीडियोस, कीप ऑन शाइनिंग एंड लव फ्रॉम उड़ीसा, थैंक यू सो मच अंशिता साहू जी। फिफ्थ या सिक्स कमेंट कर रखा है व्योम मित्तल जी ने, फर्स्ट कमेंट किया है भैया प्लीज शाउट आउट, फर्स्ट तो नहीं है बट डेफिनेटली हाँ व्योम मित्तल जी शाउट आउट तो बनता है अगर आपने मांगा है। अब ढूंढता हूँ मैं क्वेश्चन, मैं अभी ही ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जो भी पहला क्वेश्चन दिखेगा वो ले लूँगा। SARMAD ने क्वेश्चन कर रखा है ब्रो आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, बहुत सारे हैं मतलब, बट सबसे ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, फिर गैरेथ बेल है, उसके बाद मॉड्रिच है, डेविड बेकहम है, तो बहुत सारे हैं बट सबसे ऊपर रोनाल्डो उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन टुवर्ड्स गेम की वजह से। भाई बटर चिकन ट्राई करते हैं ज़रा, थोड़ा स्पीचलेस सा हो रहा हूँ मैं अभी। देखो कितना आसानी से हो रहा है, अंदर के देख लो रेशे रेशे दिखाई दे रहे भाई, परफेक्टली कुक्ड। या मेरे मन में एक बात चल रही है बट जो मेरा प्यार है ब्लैक पेपर के लिए वो थोड़ा सा अभी मेरे को मंजूरी नहीं देना वो बोलने की। मेरे ख्याल से ये मेरा अभी तक का जितने भी मैंने आज तक नोएडा में मकबैंग करे हैं यहाँ का खाना भाई बेस्ट है उन सब में से। मैं सच बता रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ अभी। अभी तक मैंने जितने आइटम्स रखे हैं इन स्पेशली दिस बटर चिकन भाई, यहाँ का दरियागंज गुलाटी हैव मोर, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई इनका बटर चिकन हैव मोर के बटर चिकन या गुलाटी के बटर चिकन के टक्कर का है। अभी खाली इस अकेले को टेस्ट करके मैं इसको ना तो उनसे ऊपर बोल सकता हूँ और ना ही उनसे नीचे बोल सकता हूँ, बट डेफिनेटली उनके टक्कर का है। और कभी मेरे को मौका मिला तो भाई इन तीनों में कंपैरिजन जरूर करूँगा, हैव मोर, गुलाटी वर्सेज चावला दी हट्टी। दिव्या सांगवी ने पूछ रखा है भाई मैरिज का क्या हाल है? या मैरिज का तो ऐसा है कि ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी तक मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है, और घर वालों की तरफ से बताऊँ तो हाँ वो मेरे पीछे बड़े हुए हैं कि अब तो लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं भाई, हरी मिर्च पराठा इनका, तो मतलब समझ लो कि 30 तक तो हो जाएगी मेरी शादी, मैं 27 का हूँ। नितिन मैठानी ने क्वेश्चन पूछ रखा है हेलो अक्की भाई फैट लॉस के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बनाओ प्लीज़ फिटनेस रिलेटेड। एक सेकेंड ना, नितिन का क्वेश्चन मिलेंगे।
मटन राड़ा। एक लूप होल मिला मुझे भाई, ग्रेवी वाइज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। मटन की जो हींक होती है ना वो आ रही है इसमें, काफी एविडेंटली आ रही है। इसमें इनसे थोड़ी सी गलती हो गई, पता नहीं वो गलती कैसे हुई, बट भाई पीसेस देखो बहुत बेहतरीन हो रखे हैं, पीसेस बहुत अच्छी तरह से पक रखे हैं, हड्डी छोड़ रहे हैं हमने आप। बट इसमें थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा है, जिनको मटन नहीं पसंद है तो मैं उनको बोलता हूँ जहाँ का मटन मेरे को अच्छा लगता है, तो कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार यहाँ का मटन ट्राई करके देख, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि मटन है। तो उसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो मटन से हींक आती है ना वो हींक बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो एक बार ट्राई करके देख, मटन नहीं लगेगा बट टेस्ट विल बी इनक्रेडिबल। इसके लिए वो चीज़ नहीं बोल सकता। नितिन मठानी जी के कमेंट पे आ जाते हैं कि फिटनेस पे प्लीज़ एक अलग से वीडियो बनाओ। यार देखो फिटनेस का क्या सीन है कि मेरे जो व्लॉग्स आते हैं उसमें मैं डेली बताता हूँ कि मैं अपने डाइट वाले दिनों में क्या खा रहा हूँ, सुबह उठते ही क्या पी रहा हूँ, डाइट के साथ साथ खाने के साथ साथ मैं और क्या क्या चीज़ें करता हूँ, ड्राई फ्रूट, मल्टी वाइटमिन कौन सा लेता हूँ, ये सब चीज़ें मैं अपने व्लॉग्स में दिखा रहा हूँ। इवन जो मैं सैलेड खाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें डालता हूँ, क्या क्या चीज़ें नहीं डालता हूँ, जितनी भी चीज़ें बनाता हूँ मैं अपने लिए डाइट वाली, तो ये कैसे बनाता हूँ, इनमें क्या क्या चीज़ें डालता हूँ, वो सब मैं डिटेल में अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भाई इंसुलिन के बारे में बता दो या कोर्टिसोल के बारे में बता दो या फिर मेलेटोनिन के बारे में बता दो, तो वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर एक वीडियो में समराइज़ करने के लिए बोलोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी यार, क्योंकि बहुत बहुत मैसिव टॉपिक है ये। भाई ये मेरी टी शर्ट है, यहाँ मैं अपना हैंडटॉल लाना भूल गया तो अभी इसी से काम चला रहा हूँ। दो पे पंखा चल रहा है लेकिन मजाल है, कुछ यहाँ तक हवा भी दे रहा हो ये। रूपाली चौधरी ने कमेंट कर रखा है भाई आपका मकबैंग और ब्लॉग दोनों बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच रूपाली। समीक्षा सिंह ने कमेंट कर रखा है व्हेन वी विल सी योर ब्रदर नाउ डू लेट अस नो, वी आल्सो वांट वीडियो विद हिम। यार समीक्षा भानु भाई आएंगे सितंबर, सितंबर फर्स्ट वीक में, और जब वो आएंगे तब डेफिनेटली मैं पूरा ट्राई करूंगा उनके साथ वीडियो बनाने का। भाई बटर नान, गार्लिक नान और मिर्ची पराठा दो दो मंगा रखे हैं। अभिषेक सतपाठी, आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट अभिषेक ने कमेंट कर रखा है कैन यू शेयर योर थॉट्स ऑन योर करंट फिजिक। या मेरी करंट फिजिक बीएमआर के हिसाब से एकदम लेवल पे है, मेरे हाइट मेरी एज के हिसाब से मेरा वेट 70 होना चाहिए और 70 ही है। बाकी करंट फिजिक के बारे में मेरे थॉट्स हैं कि यार खाना बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है, कितना खाना है, कैलोरीज काउंट करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब अगर थोड़ा सा भी वेट ऊपर बढ़ा तो वो वेट बढ़ता चला जाएगा और उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि 3-4 किलो में कम आ जाऊँ ताकि खाने के रिस्ट्रिक्शंस मेरे लिए कम हो जाएं। फरीदाबाद में जो भी चावलादी हट्टी के आसपास रहते हैं या आप अगर उनके ओनर या किसी भी उधर जो काम करते हैं उनको जानते हो तो प्लीज डू लेट देम नो कि भाई उनका खाना बहुत ज्यादा बेहतरीन है।
भाई ना बटर नान में तो जादू सा कर रखा है वो तेनो। बाकी जिस किसी को नहीं पता, मैं आजकल चल रहा हूँ प्रॉपर डाइटिंग में विद प्रॉपर एक्सरसाइज, जिम स्टार्ट कर रखा है, तो इसलिए जितना कम हो सके उतना कम खाने की कोशिश करता हूँ अपने मकबैंग में, बट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आइटम्स को रिव्यू करने का ट्राई करता हूँ। गर्मी ऐसी हो रही है कि बुरा हाल हो रखा है, पंखा जबकि मैंने ऑन कर रखा है, बट भाई इस गर्मी में खाना एक नेक्स्ट लेवल टास्क है, इतना ही पसीना मेरे यहाँ यहाँ टपक रहा है। मोर ओवर मैं अपने कैलरी काउंट पे भी ध्यान दे रहा हूँ कि मैं 2000 कैलरी से ऊपर ना खाऊं, 2000 से नीचे ही रहूं, कैलरी डेफिसिट में रहना चाहता हूँ मैं, ताकि मेरा वेट लूज जल्दी हो। आज की वीडियो में सभी आइटम्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए, बस कमी मुझे लगी एक इस मटन राड़ा में जो थोड़ी सी हीक आ रही थी, प्लस अपना हरी मिर्च पराठा में, उसमें हरी मिर्च कम थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग नहीं रहा था कि वो हरी मिर्च पराठा है, वो एक नॉर्मल लच्छा पराठा ही लग रहा था। इन्हीं दो चीज़ों में मुझे कमी लगी, बाकी भाई इनका अफगानी चिकन और पनीर मखनी ने तो दिल जीत लिया मेरा, और इनका बटर चिकन गुलाटी और हैफ मोर के टक्कर का डेफिनेटली। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन। पीस।